साथ की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय में क्षेत्रफल और परिमाप का जो अध्याय था उसके सवालों को हल करने का अभ्यास करा रहा था, तो आज जो सवाल है वो है कि आयताकार सीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, और फिर इसमें पूछा है सीट का परिमाप। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है सीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक दे रखा है आपको सीट की लंबाई वो है 25 सेंटीमीटर, और आपको दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो करनी है आपको उसकी चौड़ाई और एक आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल परिमाप। तो देखिए अगर हम परिमाप ज्ञात करते हैं तो आयताकार सीट का आयताकार परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस सवाल में हमें लंबाई तो दे रखा है, चौड़ाई नहीं दे रखी, तो इसको परिमाप को हल करने से पहले हमें इसकी क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। और चौड़ाई किससे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी इस लंबाई इस क्षेत्रफल के अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों शामिल होती है। तो लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई हम इस क्षेत्रफल के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए सवाल बहुत ही सरल और सिंपल है, ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले आयताकार सीट का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आयताकार सीट की लंबाई ये आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है इसकी चौड़ाई, तो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, जब क्षेत्रफल दे रखा हो और लंबाई आपको दे रखी हो और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी हो तो क्या सूत्र होता है इसका, तो आयताकार सीट की चौड़ाई, तो इसका सूत्र बनता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, यानी क्षेत्रफल के अंदर हम लंबाई का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो देखिए क्षेत्रफल आपको दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा लंबाई आपको दे रखी है 25 सेमी। तो देखिए 25 का भाग लगाते हैं अपन 500 में, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और एक जीरो जो है वो आ जाएगा, यानी दो बार गया 25 दूनी 50 और एक जीरो आ गया, तो कितना हो गया 20। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर का अर्थ होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें सेंटीमीटर का भाग लगाना है, तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट गया, तो पीछे क्या रह गया सेंटीमीटर, तो ये संख्या बनी 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर क्या निकली हमारी चौड़ाई, अब आपको क्या ज्ञात करना है इसका परिमाप, तो हम यहाँ लिखेंगे आयताकार सीट का परिमाप, और इसका सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सूत्र में जो संख्याएं दे रखी है उसके अनुसार से सेट कर देंगे, 2 × लंबाई आपको दे रखी है देखिए 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई अभी हमने ज्ञात की थी 20 सेंटीमीटर, 2 × अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 0 और 5, 5, 2 और 2, 4 और सेंटीमीटर, यानी 2 × 45 सेंटीमीटर। इसकी गुणा करेंगे हम तो 2 को 5 से करेंगे, 5 × 2 = 10 हासिल रह गया 1, फिर 2 को 4 से करेंगे, 2 × 4 = 8, 8 में 1 जोड़ा 9, यानी 90 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें सवाल में दो बात पूछी थी, चौड़ाई
तो चौड़ाई हमने ज्ञात की पहले, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई इसका भाग लगाया तो हमारे पास आया 20 सेंटीमीटर जो निकली चौड़ाई। अब चौड़ाई के द्वारा आपको क्या ज्ञात करना था, परिमाप। परिमाप का सूत्र लगाया, सूत्र के अनुसार जो लंबाई चौड़ाई थी वो संख्याएं हमने लिखी, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ के दो से क्या कर दी गुणा, और हमारा आंसर निकला 90। ये क्या ज्ञात हुआ, परिमाप। तो आज हमने एक सवाल किया, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए और फिर इसे ही हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।